अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू जिनजानी टी वी मैं हूं सैयद मुसबर अली जिन्ह आप लोगों का इल्म है कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली शरफ़ ज़ुहरा के ऊपर है शरफ़ ज़ुहरा जो कि हर साल आता है और इस साल वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जो इसका टाइम आ रहा है वो अट्ठारह मार्च का है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक दोपहर दो बज के ये स्टार्ट होगा ग्यारह मिनट के ऊपर और ये चलेगा उन्नीस मार्च तक सुबह नौ बज के छब्बीस मिनट के ऊपर ये एक तवील वक्त है जो कि 18 मार्च के पूरा दिन रहेगा और 18 मार्च और 19 मार्च की सुबह तक आप लोगों ने सात जहरा में अमाल मोहब्बत मोहब्बत की दुआएँ इजहार मोहब्बत या फिर नाराज़ वो जैन या दोस्तों को मनाने के लिए पुरासर अमलियात या दुआएं वज़ाइफ़ कुरानी अमलियात लिख के अपने पास रख सकते हैं या बनवा के अपने पास रख सकते हैं आप लोग अदाब अमलियात नहीं जानते आप लोगों को नहीं आपने नकूश कैसे लिखना है तो उसके लिए आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर आप लोगों को जनजानी जंतरी मंगवा सकते हैं मुझसे पी फाइल की सूरत में तो पी फाइल की सूरत में भी आप लोगों को हर चीज़ जनजानी जंतरी मौजूद मिलेगी औकात के साथ सात साथ मारी है साथ जहरा में और अदाब अमलियात के दौरान आपने कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है और इसके साथ साथ रजालब की तारीख क्या होगी उनकी सिमत क्या होगी उसका भी ख्याल रखते हुए आप लोग या वज़ाइफ़ कुरानी ही लिख सकते हैं और ऐसे तमाम बहन भाई जिनको नकोश नहीं बनाना आता तो आप सिंपली सूर्य यूसुफ की तिलावत करें इस टाइम में और अपने हक़ में दुआ करें लेकिन बेहतर तो ये है कि इस टाइम में आप लोग सूर्य यूसुफ का खालील बतन नक्श बना के अपना मकसद लिख के अपने पास अगर रखें बापर हैज़ तो इन आप लोगों का कुरानी एजाज़ के ज़रिए जो भी मकसद होगा नेक जायज़ हाजत के लिए वो ज़रूर बुरा होगा बिलखसूस शरफ़ जहरा में जो अमाल किए जाते हैं वो तमाम तर मोहब्बत के होते हैं आपकी शादी नहीं हो रही आप लोगों के अज्वाजी रिलेशनशिप में मोहब्बत नहीं है खुशहाली नहीं है कुशादगी नहीं है आपकी इज्जत रिस्पेक्ट तौकीर नहीं है आप अपने हल्का अहबाब में रिस्पेक्ट चाहते हैं आप लोग मुलाजमती रिस्पेक्ट चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते आपकी क़दर करें अहमियत आपकी बढ़ जाए आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए तो ये तमाम चीज़ें आपकी तख्लीक़ आपकी सोच आपका मिजाज बढ़ जाए तो इन तमाम चीज़ों के लिए आप लोग कुरानी नकोश बना के अपने पास रख सकते हैं और कौन सी कुरान की सूरह जो है वो किस मकसद के लिए आप लोगों के इंशाला काम आई वो भी आपको में तमाम तफसील मिल जाएगी आज के प्रोग्राम से बहुत सारी दुआओं के साथ इजाजत है अपना ख्याल रखिएगा इन शाला बशरत जिंदगी आपसे फिर मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज